गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात को इंदिरा मार्केट में स्थित विक्की मोबाइल दुकान में शटर का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 30,000 से 35,000 के मोबाइल पर हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा मार्केट में एक ही स्थान पर चौथी बार चोरी का मामला सामने आया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विक्की मोबाइल के संचालक एवं एक अन्य दुकान के संचालक ने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। जी कल रात में हुई थी घर के लगभग 35,000 से 40,000 रुपए की चोरी हो गई है और एसेसरी भी गई है। एसेसरी है, मोबाइल है, MI का, वीवो का, माइक्रोमैक्स का मोबाइल ले गए हैं और एसेसरी भी लेके गए हैं। मोबाइल की लागत कितनी होगी? मोबाइल की लगभग 35,000 से 40,000 रुपए लागत है। क्या लग रहा है आपको? अब हम कैसे बताएं, अब किसके ऊपर है, अब वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वही बता सकती है। कितने दुकानों में चोरी हुई है? ये 2-3 दुकानों में हुई है, भैया का, इनका, राशिद मोबाइल है करके, इनके यहाँ भी हुई है और एक साई प्लास्टिक वाले हुए हैं, इनके यहाँ भी हुई है। आपको कब पता चला ये? मैं आज सुबह को आया तो दोनों तरफ ताले नहीं थे करके, इस तरफ कुंडी और ये कुंडी खुली थी और ये क्या है, कुंडी पूरी बैंड करके गए हैं करके और ताले है ही नहीं करके। कितने बजे की घटना है? हम लोग तो सात बजे बंद करके चले जाते हैं। जी। अब उसके बाद अब रात में कितने बजे हुई है कि आधी रात को हुई है या सुबह हुए वो नहीं मालूम। मैं सुबह आया तो ताला दोनों नहीं था और कुंडी खुली हुई थी शटर की। जी मेरा नाम विक्की केशवानी है, मेरी दुकान का नाम विक्की मोबाइल है। आज बताइए किस प्रकार की घटना हो रही है अभी फिलहाल इंदिरा मार्केट में? अभी लॉकडाउन की वजह से जो भी वारदात चल रही है इसकी वजह से जैसे रात में दुकानें बंद होती हैं, सब जल्दी चले जाते हैं घर, उसके बाद 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती है बड़ी 7 बजे तक, तो जो भी है 11 के बाद 12 के बाद जो भी चोरी हो रही है उसके बाद। कब कितने बार हुई चोरी और कब? ये स्लैंग में 4 बार हो चुकी है, इसमें भैया के यहाँ और मेरे यहाँ भैया के यहाँ तीनों के बाबा प्लान उसके यहाँ भी, बाबा वो कन्फेक्शनरी वाला है उनके यहाँ भी हुई थी। हर बार आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है? आज FIR दर्ज कराई है, इसके पहले नहीं कराई है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस? जो भी है सामने आ जाए, जो भी है मुआवजा मिल जाए। इंदिरा मार्केट में अभी सूचना मिला है कि वो एक मोबाइल दुकान है विक्की मोबाइल, वहाँ से ताला तोड़ के करीब 2-3 मोबाइल वहाँ से चोरी हुआ है, जिसका फुटेज भी बाजू वाले दुकान से जहाँ पे झिल्ली का दुकान था वहाँ से भी प्रयास किया है। उसके बाजू में ऐसा कुल मिला के 2-3-4 दुकानों में उन्होंने चोरी का प्रयास किया है, किंतु विक्की मोबाइल से 3 मोबाइल चोरी हुआ है और उसका फुटेज दिख रहा है, उसके आधार पर हम अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और अतिशीघ्र वो ऐसा उम्मीद है कि ये लोकल ही लोग हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल होते तो बहुत सारे मोबाइल को चोरी करके ले जाते, ऐसा लग रहा है कि 2-3 मोबाइल जो छांट छांट के ले गया है तो ये लोकल ही होंगे, तो अतिशीघ्र पकड़ाने की उम्मीद है। कितने की चोरी? करीब होंगे 20-25,000। सर रात 9 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू है अभी शहर में, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में इलाके में चोरी होना क्या लग रहा है? हम तो भरपूर प्रयास करते हैं, हमारा 2-2-3-3 पेट्रोलिंग लगातार इस एरिया में भ्रमण करते रहता है और वहाँ पे फिक्स पॉइंट भी लगा हुआ है, अब कैसे हो गया इसके लिए जांच का विषय है, अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाने की स्थिति में। आगे आने वाली समय में इस तरीके की कोई घटना ना हो उसके लिए पुलिस अलग से प्रयास होंगे? बिल्कुल अलग से कर ही रहे हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट तब से लगातार प्रयास है कि चोरी वाली जैसी घटनाएँ जो सराफा है और इंदिरा मार्केट है वहाँ पर ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार ही एक्स्ट्रा जो पेट्रोलिंग है वो कंटिन्यू चल रही है।